हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक स्मार्ट बाइकर्स फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ टीवीएस आईक्यूब एस वर्सेस बैनलिंग बिलीव, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। बैनलिंग एक चाइनीज ब्रांड है, टीवीएस एक इंडियन ब्रांड है। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं बैनलिंग बिलीव में आपको 120 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है, वहीं टीवीएस आईक्यूब एस में आपको 105 किलोमीटर का रेंज मिलता है। सो यहाँ पर रेंज में 15 किलोमीटर आगे है बैनलिंग बिलीव। बट अब हम बात करेंगे ओवरऑल स्कूटर की। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं बिल्ड क्वालिटी वाइज बेसिकली ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी आपको टीवीएस ज़्यादा अच्छा देगा एज कंपेयर बैनलिंग, बिकॉज बैनलिंग के जो पार्ट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, देन उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है, फिर आपको ये स्कूटर मिल जाता है। जैसे कि कंपैरिजन करें अगर हम स्पीडोमीटर का, तो यहाँ पर बैनलिंग बिलीव का जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा चीप लगता है, बिकॉज वहाँ पर एलईडी बल्ब के थ्रू वहाँ पर पूरा का पूरा स्पीडोमीटर डिज़ाइन किया है। वहीं आपको टीवीएस आईक्यूब में फुल्ली एलईडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि आपको जॉयस्टिक के साथ यूज़ करने को मिलता है। प्लस पॉइंट आपको नेविगेशन मिल जाता है, चार्जिंग टाइम आपको मिल जाता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में आपका फुल चार्ज स्कूटर हो जाएगा। उसी के साथ अब बात कर लेंगे यहाँ पर फीचर्स की। सो यहाँ पर टीवीएस आईक्यूब एस फीचर्स से लोडेड है, जो कि कहीं ना कहीं लैक होता है बैनलिंग बिलीव में, बिकॉज यहाँ पर टीवीएस आईक्यूब एस का जो क्लस्टर है वो TFT 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका रेजोल्यूशन 800x480 PPI है। ब्राइटनेस है यहाँ पर 1000 लक्स। HMI 5-way जॉयस्टिक मिल जाता है, नाइट मोड एंड डे मोड इनेबल्ड मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है बैनलिंग बिलीव में, बिकॉज बैनलिंग बिलीव का जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी बेसिक है, एलईडी बल्ब से डिजाइन किया हुआ है। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर लाइटिंग की। सो आपको टीवीएस आईक्यूब एस में एलईडी इंटीग्रेटेड विद TSL हेडलैम्प मिलता है, वहीं टेल लैंप भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है एलईडी के साथ, नंबर प्लेट में एलईडी मिल जाती है, सिग्नेचर पोजिशन लैंप में एलईडी मिल जाती है। उसी के साथ साथ आपको जो लोगो है वहां पर भी एलईडी मिलता है, जबकि बैनलिंग बिलीव आपको बेसिक स्कूटर मिलता है। इसका डिजाइन काफी अच्छा है, स्पोर्टी डिजाइन बनाया गया है, बट स्पोर्टी डिजाइन का क्या करेंगे जब क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी, बिकॉज यहां पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है। सो फ्रेंड्स आपको जो ड्यूरेबिलिटी है वो टीवीएस आईक्यूब एस में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे प्राइसिंग की, तो भाई डेफिनेटली टीवीएस आईक्यूब एस काफी ज्यादा महंगा है बैनलिंग बिलीव से। फ्रेंड्स आप एक बात समझिए, बैनलिंग बिलीव भी आपका 1 लाख प्लस जाने वाला है, टीवीएस आईक्यूब एस भी आपका 1 लाख प्लस जाने वाला है। सो आपको 10 से 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे के एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको एक वैल्यूएबल चीज मिल जाएगी, जो के कमिटमेंट करते हैं वही आपको मिलेगा, आपको सर्विस नेटवर्क अच्छा मिल जाएगा, उसी के साथ साथ कस्टमर सपोर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, जो कि बैनलिंग में कहीं ना कहीं मिस होता है, बिकॉज बैनलिंग के जो डीलरशिप हैं वो क्लोज होती हैं, ओपन होती हैं क्लोज होती हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रस्ट वर्दी जो ब्रांड है वो टीवीएस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टीवीएस आईक्यूब एस की तरफ जाएं। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर रेंज एंड पावर परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीवीएस आईक्यूब एस की। तो टीवीएस आईक्यूब एस में आपको BLDC हब माउंटेड मोटर मिल जाता है, जिसका पीक पावर 4.4 किलोवाट है, रेटेड पावर 3 किलोवाट है, पीक टॉर्क है यहाँ पर 140 Nm, रेटेड टॉर्क है 33 Nm, वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस है IP67, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बैनलिंग बिलीव की, कि बैनलिंग बिलीव में आपको कौन सा मोटर मिलता है। तो यहाँ पर आपको 3000 किलोवाट का मोटर मिल जाता है। दोस्तों अब आप समझिए यहाँ पर मोटर ही काफी वीक है एज कम्पेयर टीवीएस आईक्यूब एस। सो फ्रेंड्स पैसा तो ले रही है कंपनी, उसी के साथ साथ आपको वैल्यू भी देती है। सो फ्रेंड्स ये आपको सोचने वाली बात है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके आपको वैल्यूएबल चीज मिल जाती है। यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है 32 किलोवाट की बैनलिंग बिलीव में, वहीं टीवीएस आईक्यूब एस में आपको 3.4 किलोवाट का बैटरी मिल जाता है, लिथियम लियोन बैटरी मिल जाती है, IP67, डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट। सो बेसिकली आपको क्वालिटी मिल जाती है टीवीएस आईक्यूब में। फ्रेंड्स बात कर लेंगे यहाँ पर बैनलिंग बिलीव के फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, स्पीडोमीटर डिजिटली मिल जाता है, ट्रिप मीटर डिजिटली मिल जाता है, उसी के साथ साथ एडिशनल फीचर में पार्किंग असिस्टेंट मिल जाता है, स्मार्ट ब्रेकडाउन असिस्टेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप 10 किलोमीटर तक अपना स्कूटर चला पाएंगे।
यहाँ पर जो सीट है वो आपको स्प्लिट मिल जाती है, बट वो कंफर्टेबल नहीं होने वाली पिलियन राइडर के लिए। राइडर के लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ये सीट। फ्रेंड्स, टीवीएस आईक्यूब एस में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती है थ्रू ब्लूटूथ, तो दोस्तों ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स, बात कर लेंगे यहाँ पर क्लस्टर के फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको टीवीएस आईक्यूब एस में टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, इनकमिंग कॉल अलर्ट मिल जाती है, साइड स्टैंड इंडिकेशन मिल जाता है, बैटरी लेवल एंड लो इंडिकेटर मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी अवेलेबल यहाँ पर आपको आइकन मिल जाएगा, पार्क असिस्टेंट मिल जाएगा, रिवर्स असिस्टेंट इंडिकेटर मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएगा, इकोग्निटो मोड मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टीवीएस आईक्यूब एस फीचर्स से लोडेड है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, कौन सा स्कूटर नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप टीवीएस आईक्यूब एस ले लीजिए आंख बंद करके, आपको बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है कि यार आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, डजंट मैटर कि आपको क्या क्वालिटी मिल रही है, फीचर्स आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है, तो आप बेनलिंक बिलीव ले सकते हैं। वहां पर आपको सिर्फ दो एडवांटेज मिलेंगे। प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको कलर मिल जाएगा स्पोर्टी येलो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे थे। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो राइडर सीट है वो काफी कंफर्टेबल मिल जाती है, बिकॉज सोफा सीट टाइप लग रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा स्कूटर लेना है, बट मेरी ओपिनियन ये है कि आप टीवीएस आईक्यूब एस की तरफ जाएं। थोड़ा महंगा मिलता है बट आपको सेम रेंज ही मिल जाएगी, बिकॉज आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर बेनलिंग बिलीव की रेंज भी 100 तक ही पहुंचेगी, बिकॉज उसका रेंज का फीडबैक मुझे पता है किस तरीके से लोग उसका फीडबैक दे रहे हैं। सो आपको क्वालिटी यहाँ पर टीवीएस आईक्यूब एस में मिलती है जो आपको बेनलिंग बिलीव में नहीं मिलती। सो आप बेनलिंग बिलीव को इग्नोर करके टीवीएस आईक्यूब एस ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा हमेशा एजेंडा होता है कि आपको वैल्यू फॉर मनी स्कूटर बाइक दिलाना जो कि आप लेने के बाद पछताए ना। सो बेनलिंग बिलीव लेने से पहले एक बार जरूर रिसर्च कर लें, मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप R&D कर लें, दोनों के फीचर्स कंपेयर कर लें, दोनों की बिल्ड क्वालिटी कंपेयर कर लें, अदर सोर्सेज को भी इंफॉर्मेशन की तरह देखें, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहां पर पढ़ें कि क्या इंफॉर्मेशन है दोनों स्कूटर की, क्या फीडबैक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। जब भी आप कमेंट करते हैं मैं आपको आंसर करता हूं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप मेरे कंटेंट को देख के समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लाता रहता हूं। तो वीडियो को एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।